दोस्तों आप भी शिखर धवन और शुभमन गिल को बेहतरीन ओपनर बल्लेबाज मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड के 3 मैचों की ओडीआई सीरीज में जहां पहला मैच न्यूजीलैंड ने जीता था वहीं दूसरा मैच बारिश के चलते रद्द करना पड़ा। इस मैच के रद्द हो जाने से टीम इंडिया को क्या क्या नुकसान उठाना पड़ेगा उसके बारे में बताएंगे, साथ ही सूर्या और गिल के तूफान के बारे में भी बताएंगे। उससे पहले आपको क्या लगता है हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव में बेहतरीन खिलाड़ी कौन है, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच रविवार को यहां खेला जाने वाला दूसरा ओडीआई मैच लगातार बारिश के कारण रद्द करना पड़ा। न्यूजीलैंड की टीम 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे चल रही है। तीसरा और अंतिम एक दिवसीय मुकाबला बुधवार को 30 नवंबर को क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा। भारत अब 3 मैच की श्रृंखला जीत नहीं सकता है लेकिन अंतिम एक दिवसीय मुकाबले जीत के साथ वो श्रृंखला को सिर्फ बराबर कर सकता है। रविवार को अधिकतर समय बारिश होती रही या मैदान गीला रहा जिसके कारण 2 बार मैच शुरू हो जाने के बावजूद सिर्फ 12.5 ओवर खेल पाया जिसमें भारत ने 1 विकेट पर 79 रन बनाए। दूसरी बार मैच जब रोका गया तो दोबारा शुरू हो गया। इस समय सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल 42 गेंद में 4 चौकों और 1 छक्के की मदद से 45 रन बनाकर खेल रहे थे जबकि सूर्या 25 गेंद में 3 छक्के और 2 चौके की मदद से 34 रन बनाकर उनका साथ निभा रहा था। बारिश के कारण टॉस में लगभग 15 मिनट की देरी हुआ लेकिन मैच समय पर शुरू हो गया। आसमान में छाए बादलों के बीच न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। गिल और शिखर धवन की सलामी जोड़ी ने 4.5 ओवर में बिना विकेट खोए 22 रन बनाए थे। तब बारिश आ गई और लगभग 4 घंटे तक खेल रुका रहा। खेल दोबारा शुरू होने पर मैच को 29 ओवर का कर दिया गया था। भारत ने खेल दोबारा शुरू होने पर ही दूसरी ही गेंद पर धवन का विकेट गंवा चुका था। इसके बाद यहां से सूर्या और शुभमन गिल का तूफानी पारी का शुरुआत हो चुका था लेकिन इसके बाद बारिश के कारण दोबारा खेल रोकना पड़ा जो फिर से शुरू नहीं हो पाया और अंपायर ने अंततः मैच को रद्द करने का फैसला किया। इससे पहले भारत ने 2 बदलाव करते हुए शार्दुल ठाकुर की जगह दीपक चहर जबकि संजू सैमसन की जगह दीपक हुडा को टीम में जगह दिया था। दोस्तों इस मैच के रद्द हो जाने से भारत के सामने ये समस्या रहेगी कि अब वो इस सीरीज को अपने नाम नहीं कर पाएगी। अब भारत के पास यही मौका है कि 30 नवंबर को खेला गया मैच को जीत हासिल करके वो सीरीज को 1-1 से बराबर कर दे। दोस्तों आपको क्या लगता है भारत तीसरा मुकाबला जीत पाएगी, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और ऐसे मैदान वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।